ये शादी कोई मामूली शादी नहीं है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अशोक चक्र विजेता शहीद गरुण कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की बहन की शादी की हैं। बिहार के रोहतास में हुई शादी में शहीद कमांडो के दर्जनों कमांडो दोस्त अपने दोस्त की बहन की शादी में शरीक होने पहुंचे तो पूरा गांव देखता रह गया। शहीद दोस्त की बहन की शादी में इन जवानों ने भाई का फर्ज निभाते हुए विदाई के समय बहन के पांव जमीन पर नहीं पड़ने दिए। बहन जब विदा होने के लिए चली तो भाइयों ने अपनी हथेलियां बिछा दी। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज की हथेलियों पर पांव रखकर शहीद की बहन जब विदा हुई तो पूरा गांव गर्व से भर उठा। रोहतास के बादीलडी के रहने वाले ज्योति प्रकाश निराला 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को ढेर कर खुद शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। शहीद ज्योति प्रकाश की 3 बहनें हैं और 3 बहनों के बीच वे अकेले भाई थे। शहीद ज्योति के बहन की शादी डेहरी के पाली रोड में सुजीत के साथ हुई। जब शशिकला की शादी हुई तो शहीद जवान के 20 से अधिक गरुड़ कमांडो दोस्तों ने शादी में पहुंचकर भाई का फर्ज अदा किया। इन दोस्तों ने शादी का बहुत सारा खर्च भी उठाया, साथ ही बहन को ऐसी विदाई दी जो मिसाल बन गई। शहीद ज्योति प्रकाश के पिता को गर्व है कि उनका बेटा आज उनके पास नहीं है, फिर भी बेटे के दोस्तों ने भाई का फर्ज अदा किया और उन्हें गर्व से भर दिया। हमारे बेटा जो लौटा बेटे थे ज्योति प्रकाश निराला, और पूरा दारोमदार उन्हीं पर मेरा निर्भर था, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत कमज़ोर है। इसके बाद में जब 3 बेटियों की शादी करना पड़ते हम तो बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे कि कैसे निपटेगी शादी, कैसे होगी। लेकिन मैंने अपनी दूसरी बेटी की जब शादी करने लगा तो गरुड़ कमांडो के 25-30 जवान मेरे दरवाजे पर शादी के दिन वो पहुँचे और हर तरह से वो सहयोग किए। मैं बहुत ही इसको बहुत अच्छा लग रहा था, सेवा किया हूँ। इन लोग आ जाने के बाद में हमारी सारी जो बोझ थी वो टोटल हल्का हो गया और हर तरह से लोग सहयोग किया। इसके लिए हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं। गरुड़ कमांडो के लिए मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, यही कहूँगा कि वो लोग हमारे साथ हैं, बोले थे कि साथ रहने के लिए, आज ही उनको दिखाया यही कि वो लोग हमारे साथ हैं। और एयरफोर्स के तरफ से भी जितने उच्च अधिकारी लोग थे हर तरह से सहयोग दिए और बेटी की शुभकामना का संदेश भेजे हैं और दामाद की बेटी की मंगलमय की कामना की है। और ख़ास करके एयर चीफ मार्शल V.S. धनोबा जी और उनकी मैडम भी मेरी बेटी की शुभकामना का और दामाद की शुभकामना का संदेश दिया है। मैं इसे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं उन सबों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बिहार पुलिस में दरोगा दुल्हन शशिकला की छोटी बहन सुनीता भी काफ़ी खुश हैं। मुझे ये सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने भैया की सपना को पूरा की। फिर लगता है कि काश मेरे भैया साथ में होते और देखते कि मेरी बहन मतलब सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन कर ली, तो मतलब उस टाइम बहुत अच्छा लगता था, मतलब अच्छा लगता। फिर भी सोच के लगता है कि मतलब पहले 1-2 बार जब भैया थे तो 1 बार तो सेंट्रल SI का सब इंस्पेक्टर का ही क्वालिफाई की थी, तो उस टाइम मतलब भैया को पता था कि हाँ इन लोग का हो जाएगा जैसे। और भाभी से कभी मॉल वगैरह जाते थे बोलते भी थे, कोई लड़की दिखती थी सब इंस्पेक्टर को, बोलते थे कि देखो मेरी सोनी भी ऐसी लगेगी जब सब इंस्पेक्टर बन जाएगी। बिहार के रोहतास में अब लोग चर्चा करते हैं कि देखो शहीद के बहन की डोली कुछ ऐसे विदा होती है कि पूरा गाँव गर्व से भर जाता है।